पेपर लीक होने से रद्द हुई यूपी टीईटी परीक्षा के बाद संबल में छात्रों ने नारेबाजी की है। एग्जाम रद्द होने से अभ्यर्थी निराश हुए हैं। जिले में करीब आधा एग्जाम होने के बाद एग्जाम रोके जाने की खबर है। यूपी टीईटी एग्जाम के लिए जिले के 14 केंद्रों पर 11,203 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। परीक्षा शुरू हुई करीब आधा पेपर हल होने के बाद जिले में परीक्षा रोकी गई, जिसके बाद चंदौसी में परीक्षार्थियों ने नारेबाजी की है। कई परीक्षार्थी एग्जाम निरस्त होने से हताश हुए हैं, वहीं कई पेपर लीक होने को सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ का कहना है कि एग्जाम भले ही निरस्त हो गया हो, ट्रायल में पूरा पेपर तो लेने दिया गया होता। वहीं एक छात्र ने तो परीक्षा रद्द होने को सरकार की साजिश करार दिया है। टेट की परीक्षा थी, हम पेपर दे रहे थे, दो अटेम्प्ट दे चुके थे। दो अटेम्प्ट देने के बाद ही हमारे पास प्रोफेसर साहब आए कि बोले कि इस तरीके से ये पेपर आपका आउट हो गया है, आप लोगों का पेपर नहीं होगा, सारा पेपर जमा कर दीजिए। और पेपर पूरा जमा कर लिया गया, हमसे पूरा पेपर दिलवा तो दिया जाता कि किस तरीके का पेपर था, हम देख तो सकते थे। पेपर आउट हुआ तो जिस जगह का आउट हुआ वहाँ का पेपर छीन लिया जाता। बुलंदशहर का पेपर बताया गया था कि आउट हुआ, परीक्षा रोक दी गई हमारी। और पेपर सर क्या हुआ, हमने स्टार्टी करा था, जो पेपर था चला सर आए कि पेपर कैंसिल हो गया, वहाँ पर बुलंदशहर में पेपर आउट हो गया है। तो अब इसमें और बच्चे क्या करें सर, वो अपनी पूरी तैयारी से आए थे, हम तो इतनी दूर संभल से आए हैं, बच्चों को छोड़कर आए थे। और पेपर इतना इजी था कि मैंने 15 मिनट में साई को कर लिया और 60 मिनट भी ओवर नहीं हुए थे तो मैंने 3 सब पोर्शन कंप्लीट कर लिए सिर्फ। और एनवायरनमेंट थोड़ा टिपिकल था इसमें, लेकिन पेपर इतना अच्छा था, ये आउट क्यों हुआ ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, बस हम तो शॉक्ड हो गए ये देख करके, मतलब पेपर आउट हो गया। मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से बिलोंग करता हूँ, होम टाउन मेरा लछपरा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये योगी सरकार और मोदी सरकार अपने काम गिनाते आ रही है और कहती है कि शासन व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि डीएम एसडीएम से लेके एसपी डीएसपी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ये सारे इसी सरकार के अंतर्गत आते हैं और काम करते हैं, और जब कभी किसी परीक्षा केंद्र पर कभी पेपर होता है तो इन्हीं को ही पूरी कमान दी जाती है। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार का दोष है या फिर जो जिसकी वहाँ पर ड्यूटी है उनका दोष है पेपर लेकर आने में। नहीं, आज मेन बात तो यह है ना कि आज पर्चा आपका एग्ज़ाम था टेट का, वो नहीं हुआ, उसमें बताएं आप क्या मामला है उसमें। मामला सर मैं तो अनुमान यही लगाऊंगा सर कि अभी शिक्षक भर्ती आने वाली है और जो बच्चे इस समय जो बीटीसी उन्होंने इस समय इस साल पास किया है तो पहले के बच्चे की अपेक्षा वो बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इनका यही उद्देश्य है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये टेट निकालेंगे तो हम इतनी सारी शिक्षक भर्तियाँ कहाँ से लेके आएंगे। एग्जाम तो इन्हें कराना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था ये सरकार की फेलियर है और जो अधिकारी है उनको सक्सेस सजा मिलनी चाहिए। मीडिया के लिए कुछ कहा भी आपने मीडिया को, ये कह रहा था मीडिया वाले दिखाएंगे लेकिन उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। आप ऐसा क्यों मानते हैं असर नहीं पड़ेगा? हमने बहुत सारी भर्तियां देखी है, पहले पीछे भर्तियां हुई थी उनमें कुछ नहीं हुआ, जली हुई कॉपी पाई गई, पाएगी नहीं पाई गई, कुछ नहीं हुआ। मीडिया भाई साहब, मीडिया यदि अपने पे आ जाए तो 24 घंटे में जो चाहे मीडिया जनता की आवाज पे वो करा सकती है, वो करा सकती है, समझे। मेरा मानना ये है कि मीडिया भी अपना काम सही से नहीं कर रही है। बाकी ये परीक्षा निरस्त हुई है, लोग परेशान हुए, इतना पैसा गवर्नमेंट ने लिया, ठीक है। इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? हम सरकार की मानते हैं, अधिकारियों की मानते हैं, उनको सक्सेस सजा मिलनी चाहिए अधिकारियों को। कैसे पेपर लीक हुआ, आप लोग क्या कर रहे हो? एक आम आदमी गलती करते है उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं, समझे। पढ़ा लिखा आदमी यहाँ घूम रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, बेवकूफ बना।